बस इतनी अच्छी वीडियो में एक्टिंग कर लिया कर। देखियो मिक्की कितना झूठ बोलता है, कहां से बोलता पता नहीं, शर्म ही नहीं है कुछ। मैंने तू कौन सा उठ गया बस। गाइस ये देखो रचित ने मंगवाया है पिज्जा। हे क्यूटीज वेलकम बैक टू माय मम्मी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस मेरा शूट सुबह से मतलब 7 बजे की उठी हूँ मैं, मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया और शाम हो गई मतलब 6:30 बज चुके हैं। बट मेरा शूट आपको पता है कितना परसेंट हुआ है, 30% शूट हुआ है और 70% अभी भी रहता है। भाई आज मेरे शूट पे इतने नालायक बच्चे आए हुए हैं, इतना चीची 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 क्या 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 कहूँगा की तरह करे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं बताऊँ मैं कहाँ फंस गई। हाँ स्कूल का शूट तो मेरे लिए ना ऐसा हो जाता है बिल्कुल क्या बताऊँ। बस एक हर्षिता और एक ऐश्वर्या, इन दोनों ने कोऑपरेट कर रखा है और देखो जो मैं हूँ ना सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट मैंने कराया और किसी ने नहीं कराया पे, प्लीज। मैं इसको बोला था मैंने मास्क का सीन है, मास्क ले आई हो रात में मैंने वैसे ज्यादा था इसे, ये वो भी नहीं ले आया। लक्ष्य इतना ज्यादा वो है इर्रिस्पॉन्सिबल भाई। तो ये रही आंटी जी भी आ जाइए मेरे शूट पे। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। बढ़िया और क्या, बढ़िया ही लग रहे हो आज साड़ी में। आज देखो आंटी जी खा रही है खिचड़ी। खा लो मैंने बचा दी। नहीं आप खाओ थोड़ा छोड़ देना, अभी रात होते होते भूख लग जाएगी मुझे। ठीक है। और भाई ये रहा अमन, अमन पे फुल डिपेंड था आज मेरा शूट, बट अमन ने इतनी लापरवाही करी आज शूट पे। मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। 9 बजे तक चला जियो। मैं तो लापरवाही कर रहा हूँ, एक सीन करके चला जियो। मैं तो लापरवाही, उसके बाद तो तू वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि तू सरकारी नौकरी वाला है। पर मैं तो लापरवाह हूँ ना, एक सीन तो कर ही सकता है कितना भी लापरवाह है, एक सीन तो कर दियो। एक ही सीन, बस एक सीन तूने करवाया है, बाकी तो लपेट रहा था तू। ऐसे रोने से क्या होगा, उठ जा। अब मेरे व्लॉग का टाइटल होगा अमन रोने लगा। बस इतनी अच्छी वीडियो में एक्टिंग कर लिया कर, ट्रेंडिंग पे आएगी वीडियो। अभी रो रहा था, अभी हंसने लगा वा। भाई शक्ल देख रहे हो मेरी कैसी खराब हो गई है, यहाँ देखो ऐसे हो गया, फोड़े से आ गए, यहाँ आ गए, ये तो नहीं है, खैर यहाँ पे दो हो गए। ये पता क्यों होते हैं, टेंशन फ्रस्ट्रेशन इन सब चीजों की वजह से, और मेरे शूट पे तो बहुत रहती है। नहीं पानी तो मैं भरपूर पीती हूँ। मेरे भाई बाबा की दया है सारी की सारी, मैंने रखी में भी लाडले। सो गाइस आज नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं कल इतना ज़्यादा बिजी थी शूट पे कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और सब आते इतनी भयंकर तरीके से सोए हैं, और आते ही वहां से पता है हम करीब आए थे 12:30 बजे। आने के बाद सबने मिलके बहुत सारा काम भी किया क्योंकि हमारे सर्वेंट भैया है नहीं, तो सब कुछ मिलके हमें खुद करना पड़ रहा है। मैं तो बहुत थकी थी, बस चेंज करके मेकअप रिमूव करके चाय पी के सोने चली गई थी। बाकी ऋतिक ने सब बर्तन वर्तन साफ किए थे, और अभी सुबह हो गई है तो अभी हमारा घर यूं ही बिखरा पड़ा है। अभी सबको मैं उठाती हूँ, अभी बज रहा है करीब 11:30। आधा कप पूरा कप। बाकी आज घर में सबसे पहले उठी है श्रुति, श्रुति ने बनाई है चाय और अभी तो कुछ नहीं बनाया, सिर्फ चाय। तो चाय बिस्किट मैंने, श्रुति ने और कार्तिक ने खा लिया। आलसी पीपल्स, बाकी सब आलसियों की तरह सो रहे हैं। किचन हमारा बहुत ज्यादा देख लो गंदा पड़ा हुआ है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं। बिल्लू भाई आएगा। बिल्लू नहीं बल्लू, बल्लू भाई। बाकी मैंने नीचे वाले अंकल को फोन कर दिया था कि हमें कोई काम वाली आंटी दे दे आज के लिए। कांता भाई और इंस्टू को देखो, इंस्टू आज इंस्टू ने सुबह सुबह श्रुति को जगा दिया, कहता मेरे को घुमाने लेके जा। हाँ घूमने गया छत पे मेरे साथ, है ना इंस्टू। और ये देखो खाना रखा हुआ है, ये रचित ने डाला था, कुछ बना के दिया नहीं, ब्रेड और ये डाल दिया। बताओ ये भी कोई खाने में देता है? अभी ये हटाऊंगी मैं, ये खाया ही नहीं, इसको चाहिए सिर्फ दूध रोटी अंडा ब्रेड, ये सब खाता है ये। देख रचित को तो पता भी नहीं है तू खाता क्या है,
चलो बाकी सब देखो मेरे रूम में सोए पड़े हैं, आज जगह नहीं थी ना सोने की। तो ये पता है कितने लोग हैं, ये टोटल 4 लोग हैं, इधर विनय, मिक्की, ऋतिक और ये कपिल। जगह थी नहीं तो आज के यहीं सो गए, बाकी श्रुति और कार्तिक यहाँ पे सोफे पे सोए थे। चलो अभी से थोड़ा तो अच्छा लगा कि कोई है घर में खेलने के लिए, वरना उदास उदास बैठा हुआ था। और ये देखो गाइस स्कूल के कपड़े हमने कैसे यहाँ पे लाके फेंक रखे हैं, हम बिल्कुल भी जिम्मेदार बच्चे नहीं हैं। ये मिक्की के काम है, मिक्की के काम है ये। हम स्कूल से आते हैं ऐसे सामान पैक कर सो जाते हैं और अगले दिन स्कूल के लिए लेट होता है, फिर वही कपड़े पहन के दोबारा चले जाते हैं बिना नहाए। और ये अभी मैं और अच्छे जा रहे हैं देखने के लिए सो कैसे रहे, इसे उठा दे प्लीज, एडिटिंग करनी है फिर उसे दे। ये भी ऐसे सो रहा था, इसके साथ बिल्कुल होठ से होठ टच नहीं हुए बस। अरे उठ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। खाना बन गया? बस बन रहा है, 20 मिनट में बन जाएगा। बस बना ही रहा हूँ। क्या बन रहा है मामा? क्या बोला तू, क्या बोला, क्या बोला? अरे यार बनाने दे यार, दिमाग मत खराब ऐसे। अच्छा ये तो अभी आके खड़ा हुआ है, ये फ्रेम खा रहा है कि मैं करवा रहा हूँ? भाई मैं कर रहा हूँ यार, फिर से दाल मैंने नहीं बनाई तो छोक हो गया आप, क्योंकि मुझे छोक नहीं आती। क्या बना रहे हो दीदी? भाई एक एक बंदा आगा से यही पूछ रहा है, देख चावल बना रहे हैं, देख लेते हैं। जीरे में डाल के? यस। हम तो वैसे प्लेन खाते हैं ना। तुम खाते हो? मैं नहीं खाती। और इसमें क्या है? दाल। जो मैंने बनाई है? हाँ। अच्छा छोके का कौन से डिश है? तू ही छोके का जब तूने बनाया। जब मुझे नहीं आता ना आप जब ही तो आए हो। कहाँ लग जाएंगे, चिपक जाएंगे मतलब? तो पानी वानी भी डलेगा क्या इसमें भी? नहीं चावल ऐसे सूखे बनते हैं क्या? मुझे बनाना नहीं आता ना, सिर्फ दाल आती है। क्या डन है? ठीक है ओके। भाई कौन सा बंदा करना है? कपड़े क्या भेजूं? कपड़े टीचर को कहते रहे बोल दे। अच्छा शूट के लिए? ओए चुप हो जा अभी, आवाज मत कर। अभी खाने की आवाज आ रही है तो आवाज मत कर, खाना बिगड़ जाएगा फिर। ये पीला कैसे हो गया कलर? इसमें मैंने चॉक लगाया। कुकर में बनाते ना चावल? तो कुकर में दाल बन रही है ना। कितना टाइम लग जाएगा वैसे आपके हिसाब से खाना खाने में? 20 मिनट पूरे। सो जाओ फिर। खाना कौन बनाएगा? सो जाओ मेट रख ली तूने? कोई नहीं, ये सब्जी वगैरह कट के छोकने के लिए। यस गाइस, तो सुबह से ना मैंने नहाया है ना धोया है, बस सो के उठी और बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। जैसे कि मैंने दाल बन गई है, बस उसमें तड़का लगाना है, फ्राई करना है, और चावल ये मैंने रख दिए हैं, ये भी सब 20 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, सब खा लेंगे। सुबह से सब भूखे हैं, लेकिन कोई आके किचन में काम नहीं कर रहा था कि कुछ खुद ही बना ले। ओ भाई तो मेरे को ही उठना पड़ा। गलत है, मैंने दाल बनाई उसकी कोई वैल्यू नहीं। भाई एक काम वाली भी बुला दी थी कि झाड़ू पोछा के लिए, पर वो झाड़ू लगा के चली गई, पोछा लगाया नहीं, बर्तन भी पूरे नहीं धोए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनको कहीं जाना पड़ा, उन बोला दीदी मैं ना आके पोछा वोछा लगा दूंगी, अभी मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। तो हो गए 1-2 घंटे, वापस तो आए नहीं, तो नहीं आएंगे तो खुद ही करना पड़ेगा, आ गए तो भला होगा। ऋतिक का क्यों? क्योंकि ऋतिक ही करेगा भाई, मैं खाना बना रही हूँ। मैं अकेला क्यों करूँ भाई, सब करेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर कल मेरा शूट भी है, जो कल नहीं हो पाया था। कल ही है? कल करूंगी या नहीं? हाओ कर दो भाई। और अभी खाना बना के फिर कपड़े धोऊंगी, फिर निकलेंगे रात में सो के सुबह दोबारा 7 बजे। और भाई तुम कितने वो आलसी हो, क्यों नहीं उठते हो सुबह 7 बजे? क्यों धक्के लगाने पड़ते हैं? आज भी नहीं उठाना? कौन लेके गया इंस्टा को? कौन लेके? कौन मैं उठानी? अब वो पहले लेके चले गए। खामा कसम, तू कसम से जग रहा था मैं। झूठ कम बोल, 10 बजे तो मैंने धक्का मारा। कितने बजे आए थे आप? बिल्कुल होश ही नहीं था। ये देख कैसे क्रेडिट खाता है, मैं लेके गया था। ओए मैं तो बोला ही नहीं लेके गया था, मैंने सिर्फ बोला मैं उठाता।
देखियो मिक्की कितना झूठ बोलता है, कहां से बोलता पता नहीं, शराब ही नहीं है कुछ। मैंने तू कौन सा उठ गया बक, यही उठा था मैं, गया था लेके मेरे को पता चले कि वो पहले लेके गई थी भाई। आज उसने छत पे बॉडी करी है, आज छुट्टी लेके गई, कुछ भी छत पे तो कुछ किया ही नहीं उसने, ज्यादा झूठ हो रहा है, ज्यादा झूठ हो रहा है। मैं अभी छत से आ रहा हूँ। कहाँ पे किया था श्रुति बॉडी उसने? एसी पे तो किया था। हाँ हेलो, क्या हो गया? पोटी करी नहीं? नहीं करी भाई, तभी तो आज वो खाना नहीं खा रहा था। एक काम कर, लेके जा उसको करवा के ला वहाँ पे। जा शिव, निकल जा करवा के ला। कट कर दे व्लॉग, जा कट करवा के लाओ पहले। सच में करवा के लाओ यार, पोटी नहीं करी उसने, खाना कैसे खाएगा? तो भाई नीचे गया तो था, नीचे जाना और पोटी जहाँ करता है बहुत फर्क है। वहाँ करवा के लाओ जहाँ करता है वो, करता तो बहुत दूर है। देख वरना वॉशरूम में ताला लगा दूंगी मैं तुम्हें, पट्टी नहीं करने दूंगी। ये धमकी नहीं, ये धमकी गलत है। तो करा के लाओ फिर। हाँ जा तो रहा है वो, गया तो जा रहा है मिक्की। हाँ जा रहा है, पट्टी करा के लाइयो। फोटो 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 ठीक है, कहीं पागल बना दे वो मैं दे दूंगी। वीडियो कॉल नहीं, फोटो फोटो हमें फोटो चाहिए। मैं देख लूंगी, तुम पे भरोसा नहीं होता, छोड़ देते हो, करे ना करे कुछ नहीं। आ जा ये गलत बातें फैल रही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को वीडियो चाहिए और आज ही चाहिए। आज मैं परेशान हो गई, उसे खाना खिलाती हूँ, उसने खाना नहीं खाया। जब पोटी करेगा नहीं तो खाना कैसे खाएगा वो? अरे ये ढीठ है, ये नहीं करता, ड्रामे करता है ताकि हम जल्दी ऊपर निकल जाए। दिमाग है इसमें, इंस्टा में अपने पता है आपको बहुत दिमाग लगाता है। काश ये चीज मैं तेरे लिए भी बोल सकती हूँ। क्या? नहीं बोल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग है तुझमें, बहुत दिमाग लगाता है तू, और मंद बुद्धि है तू। तो जा रहे हैं फिर हम, बाय बाय गाइस। ये देखो, ये देखो रचित ने मंगवाया है पिज्जा। रचित एक बार बताओ, ये मैं खाना बना रही थी, इतना सब कुछ किया, ये स्टार्टर है, वो मेन कोर्स है। अच्छा तो ये भी खाना है, ये भी खाना है, वेरी नाइस। मुझे भी दोगे थोड़ा सा? ये मेरे लिए? थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ एक स्लाइस खाऊंगी, सब एक एक खा लेंगे इतना, क्योंकि तुम खा भी नहीं पाओगे। हाँ मैंने इसलिए मंगाया, सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, बार बार कोई ना कोई आया जा रहा है। करी इसने पोटी? कर ली। मेरे पास फोटो वीडियो तो नहीं आई, फोटो आए, फोटो करवा के आया हूँ, सच बता रहा हूँ। माँ कसम, माँ कसम, हाँ आज देख खाली, देख कल नहीं खा रहा था, माँ कसम अब खाएगा खाना। ये सुबह में इतना परेशान हो गई रचित, सबने ना मेरे से झूठ बोला कि ये पोटी करके आया है भाई, एंड वॉश करके आया। वाओ, ये तुमने डोमिनोज से नहीं मंगवाया? डोमिनोज आता कहाँ है यहाँ? अच्छा ऐसा भी है, मुझे तो आज पता चला। ये वाला मैं खाऊंगी।